वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्स स्ट्रक्चर रहने वाला है 2023 सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए उसे डिस्कस करेंगे एंड हम इकोनॉमिक ऑनर्स का जो कोर्स स्ट्रक्चर रहने वाला है उसे भी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिएगा दोनों ही कोर्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर। अगर आप बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से देखना स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप बीए इकोनॉमिक ऑनर के स्टूडेंट हैं तो मैं यहाँ पर टाइम लैप्स कर दूंगा। वहाँ पर आप जाकर इकोनॉमिक ऑनर्स की जो वीडियो है या फिर जो टाइम स्टार्ट होता है जहाँ से इकोनॉमिक ऑनर्स का, वो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स के साथ। तो यहाँ पर देखिएगा कंपलसरी कोर्स आपके लिए कौन से रहने वाले हैं। तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तीन कोर्स जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है वो कंपलसरी रहने वाले हैं, जिसमें पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीएसई 5 जो रहेगा, मेथड एंड अप्रोचेज इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन थियोरीज कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स। ये तीन आपके कंपलसरी सब्जेक्ट रहने वाले हैं जिसे कोर कोर्स कहते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। देन जनरल इलेक्टिव की बात करें तो इनमें से आपको पांच सब्जेक्ट दिए गए हैं जनरल इलेक्टिव के लिए, इनमें से कोई आपको एक चूज करना है। जैसे कि कॉमर्स से आपको दिया गया है कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स में दिया गया है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में दिया गया है इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, हिस्ट्री में दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स, देन मैथमेटिक्स में एलिमेंट्री लाइनियर एलजेब्रा। अब आप पर आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं इन पांच में से। देन यहाँ पर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई एक चूज करना है। इसमें क्या है कि कुछ लैंग्वेजेस दी गई है जैसे असमीज, बंगाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू। सो ये लैंग्वेजेस आपको तभी पढ़नी है जब आपने इन्हें अपनी स्कूलिंग जैसे कि 8वीं क्लास तक या 12वीं क्लास तक आपने जो इन लैंग्वेजेस को पढ़ा है तभी आप इन लैंग्वेजेस को चूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर असमीज़ है, देन बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है एंड उर्दू लैंग्वेजेस है। सो हिंदी के लिए आपको देख लीजिएगा, हिंदी में आपको हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, हिंदी बी में आपको औपचारिक लेखन है, सोशल मीडिया और ब्लॉग सी में है, देन पंजाबी भाषा दा मुदला पधार है, देन संस्कृत है नीति लिटरेचर इन संस्कृत उपनिषद देन गीता, देन इंट्रोडक्शन टू संस्कृत लैंग्वेज। देन हम बात करते हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको कोई एक चूज़ करना है। अगर आपने इनमें से कोई एक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है तो आप उसे चूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि फाइनेंस फॉर एवरीवन आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है तो आप इसे नहीं ले पाएंगे। इन दो में से आप कोई एक सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि कम्युनिकेशन या रंगमंच में से। ओके, सो यहाँ पर तीन सब्जेक्ट दिए गए हैं, फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ जिस पर मैंने वीडियोस बना दी है, एंड रंगमंच। इन पर आपको इनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। देन वैल्यू एडिशन कोर्स के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर भी आपको कोई एक चूज़ करना है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट को पढ़ा है तो आप उसे एलिमिनेट कर दीजिएगा। सो इंग्लिश के लिए रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, देन भारतीय भक्ति परंपरा, पॉलिटिकल साइंस में है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, देन योगा में है फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। ओके, देन यहाँ पर ये आपको लाइक तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेजेस जो है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स की वो है, आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी है। अब यहाँ पर बात करते हैं बीए इकोनॉमिक ऑनर्स का जो स्ट्रक्चर रहने वाला है सेकेंड सेमेस्टर का उसके बारे में। सो यहाँ पर देखिएगा कंपलसरी कोर्स आपके लिए भी तीन रहने वाले हैं, उसमें इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, डीएससी 5 में रहेगा इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स, देन इंटरमीडिएट स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक। अब यहाँ पर जीई में भी सेम एज पॉलिटिकल साइंस और अदर जो डोमेन है या कोर्सेज है उसमें आपको चूज़ करने के लिए दिया गया है, सेम वैसे ही आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि जनरिक इलेक्टिव या जीई जिसे कॉमनली जाना जाता है उसमें कॉमर्स में है कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, देन इंग्लिश में है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, हिस्ट्री में है दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्प्रेरी इंडिया, मैथमेटिक्स में है एलिमेंट्री लीनियर एलजेब्रा, पॉलिटिकल साइंस में है इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स AEC जो है इसमें से भी आपको कोई एक चूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस है जो आपको 8वीं या 12वीं तक पढ़ी होनी चाहिए।
या फिर स्कूल के टाइम में आपने उन लैंग्वेजेस को पढ़ा हो, जैसे कि असमीज लैंग्वेज है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है एंड पंजाबी है। ये लैंग्वेजेस आपको पढ़ी होना आवश्यक है 8वीं क्लास तक। बाकी हिंदी है, जिसमें हिंदी भाषा संप्रेषण एंड संचार है, हिंदी औपचारिक लेखन है, सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन है, पंजाबी में भाषा दा पंजाबी भाषा दा मुदला पधार, नीति लिटरेचर इन संस्कृत, उपनिषद एंड गीता, इंट्रोडक्शन टू संस्कृत लैंग्वेज एट्सेट्रा, यहाँ पर आपको कुछ लैंग्वेजेस दी गई है। देन स्किल एनहांसमेंट जो कोर्स रहने वाला है, उसमें से भी आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं और 3 में से अगर आपने कोई एक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है तो सेकेंड में आपको सेलेक्ट नहीं करना है। 3 सब्जेक्ट कौन से हैं? फाइनेंस फॉर एवरीवन, इंग्लिश में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और हिंदी में रंगमंच। देन वैल्यू एडिशन कोर्स के बारे में चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको कोई एक सिलेक्ट करना है और अगर इनमें से कोई आपने एक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है तो वो आपको एलिमिनेट कर देना है, वो आपको नहीं सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर है इंग्लिश, रीडिंग इंडियन फिक्शन है, भारतीय भक्ति परंपरा है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, योगा है, फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। सो आई थिंक दैट वी हैव कवर्ड ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। जितने भी कोर्स स्ट्रक्चर थे, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स के है, बीकॉम प्रोग्राम के है, बीए प्रोग्राम के, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के, इंग्लिश ऑनर्स के, सभी का जो कोर्स स्ट्रक्चर था वो हमने कवर कर लिया है और उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।